Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the theme of the novel Pride and Prejudice. तो चलिए करते हैं Pride and Prejudice novel, जो कि जेन आस्टिन ने लिखा है, उसका थीम क्या है. In the novel Pride and Prejudice, Jane Austen has written about two or three families in a country village. एक कंट्री विलेज में दो से तीन फैमिलीज के बारे में जेन आस्टिन ने Pride and Prejudice जो नॉवल है उसमें वर्णन किया है. The novel deals with the domestic aspirations of the Bennets. अब ये नॉवल किसके साथ डील करता है, जो डोमेस्टिक एस्पिरेशन है बेनेट फैमिली की, उससे द लुकासेस, द बिंगले एंड द डार्सी हु आर गिविंग डिनर्स, पेइंग विजिट्स और अरेंजिंग बॉल्स. अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग एक दूसरे का डिनर कर रहे हैं, एक दूसरे के घर आ जा रहे हैं और बॉल्स अरेंज कर रहे हैं, यानी कि छोटी छोटी पार्टीज जो हैं वो अरेंज कर रहे हैं. वी डोंट सी एनी पैशनेट लव अफेयर इन द नॉवल, और इस नॉवल में हमें पैशनेट लव जो है वो दिखने में नज़र नहीं आया इसको पढ़ने के बाद. दीज आर द लव अफेयर्स बिटवीन जेन एंड बिंगले. अब इसमें जो लव अफेयर्स है वो है किस किस में, जेन बिंगले में, बिटवीन डार्सी एंड एलिजाबेथ, बिटवीन लीडिया एंड विकम, एंड बिटवीन कॉलिंस एंड शार्लोटे. इंडीड द नॉवल इज नथिंग बट द स्टोरी ऑफ अ सीरीज ऑफ फोर कोर्टशिप्स. ये नॉवल जो है वो एक सीरीज है फोर कोर्टशिप्स का. कोर्टशिप्स क्या होती है बच्चे, मैन एंड वीमेन का बिफोर मैरिज जो रिलेशनशिप होता है, उनका एक दूसरे से मिलना, बात करना, ठीक है, उस तरह का रिलेशनशिप. वन आफ्टर अनदर, एक दूसरे के बाद एक, ये जो जोड़ियाँ बनती गईं, जेन एलिजाबेथ एंड लीडिया वर द डॉटर्स ऑफ मिस्टर एंड मिसेस बेनेट. जेन एलिजाबेथ और लीडिया जो थे वो मिस्टर और मिसेस बेनेट की बेटियाँ हैं. वो लिव्ड इन द लॉन्गबॉर्न विलेज, जो कि लॉन्गबॉर्न विलेज में रहती हैं. शार्लोटे ऑल्सो बिलोंग टू द सेम विलेज. शार्लोटे भी सेम विलेज से संबंधित है. शी वॉज एलिजाबेथ्स फ्रेंड, वो एलिजाबेथ की दोस्त थी, एंड वॉज मैरिड टू रेक्टर कॉलिंस, और उसकी शादी हुई रेक्टर कॉलिंस के साथ. In fact, Collins had first approached Mr. Bennet for the hand of Elizabeth. फैक्ट यही था कि जो कॉलिन थे उसने एलिजाबेथ का हाथ मांगा था मिस्टर बेनेट से. बेन शी डिक्लाइन, जब एलिजाबेथ ने मना कर दिया, ही एट वंस मैनेज टू स्पीक टू लुकासिस इन द सेम विलेज. तो वो लुका फैमिली के पास जाते हैं और वहाँ उनसे बात करते हैं. द कोर्टशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वीमेन बिफोर दे गेट मैरिड, इसका मतलब यही है, वॉज शोर्ट. अब उन दोनों की जो रिलेशनशिप थी, किस किस की, लुका फैमिली की, जहाँ पे कि उनकी डॉटर शार्लोटे थी, और मिस्टर कॉलिन की, इनकी रिलेशनशिप बहुत छोटे टाइम के लिए थी. ही स्पॉक टू द फैमिली ऑन थर्सडे, वो थर्सडे को उनसे बात करते हैं. द नेक्स्ट ही प्रपोज्ड, अगले ही दिन वो अपना प्रस्ताव रखते हैं शार्लोटे के लिए, एंड वॉज एक्सेप्टेड, और उसको स्वीकार कर लिया जाता है. द मैरिज टुक प्लेस एट अ लेटर डेट, और बाद में फिर मैरिज की डेट डिसाइड हो जाती है और शादी हो जाती है. मिस बिंगले इज ईगर टू सिक्योर डार्सीज हैंड फॉर हरसेल्फ. अब मिस बिंगले जो थी, जो मिस्टर बिंगले की बहन थी, वो चाहती थी कि उसकी शादी डार्सी से हो जाए. लेडी कैथरीन इज इक्वली इंटरेस्टेड इन हर डॉटर्स मैरिज विद डार्सी, और लेडी कैथरीन भी यही चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी डार्सी से हो जाए. अब ये सारी डार्सी को क्यों चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ही रिच था और हैंडसम था. दस द एक्शन ऑफ द नॉवेल इज फोकस्ड ऑन द एफर्ट ऑफ लेडीज ईदर टू सिक्योर सूटेबल हस्बैंड्स फॉर द डॉटर्स और फॉर देमसेल्व्स. अब इन लेडीज का जो था मेन मकसद क्या था, जैसे बेनेट्स फैमिली में उनका मकसद था कि बेटियों को अच्छे हस्बैंड्स मिल जाएं, या फिर जो लड़कियां थी वो खुद के लिए अच्छे हस्बैंड जो थे वो उनकी तलाश में थी. अ लार्ज पार्ट ऑफ द नॉवेल इज कवर्ड बाय द अफेयर बिटवीन डार्सी एंड एलिजाबेथ. अब इसका ज़्यादातर हिस्सा जो नॉवेल का है उसमें डार्सी और एलिजाबेथ के अफेयर को, प्यार को दिखाया गया है. व्हेन दे मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम मिले, एट द बॉल इन नीदरलैंड, नीदरलैंड में एक पार्टी के दौरान, एलिजाबेथ एंड हर फैमिली डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग अवर्जन टू डार्सी. एलिजाबेथ और उसकी फैमिली जो थी वो डार्सी के प्रति एक अपना प्रेजुडाइज बना लेती हैं, और वो प्रेजुडाइज क्या होता है, देयर वर रीजंस, उसके रीजंस थे. डार्सी स्टूड इन डायरेक्ट कंपेरिजन विद बिंगले हु वॉज इंटरेस्टेड इन जेन. डार्सी किसके कंपेरिजन में खड़ा हुआ था, बिंगले के कंपेरिजन में, जो कि जेन में इंटरेस्टेड था. नो वन इन द फैमिली लुक काइंडली टू डार्सी, किसी ने भी डार्सी को काइंडली नहीं देखा. ही वॉज रिजर्व इन नेचर विच दे इंटरप्रेटेड एज हॉटीनेस, वो अब ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, जिसे उन्होंने सोच लिया कि ये बहुत ही एरोगेंट है. दे ऑल टुक हिम टू बी प्रॉम्पस
सेल्फ ओपिनियनेटेड रिच मैन, और वो क्या सोचते थे कि वो अपनी इम्पोर्टेंस बना रहा है, बहुत ही एरोगेंट है और रिच है इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। दी थॉट ही वॉज प्राउड, उनको लगा कि वो घमंडी है। इन कंपेरिजन बिंगले वॉज सॉफ्ट जेंटल मोर ओपन एंड देयर फॉर एक्सेप्टेबल टू ऑल द लेडीज। लेकिन उसकी कंपेरिजन में जो बिंगले था वो बहुत ही सौहार्द्य था, भद्र पुरुष था और बहुत खुल के बात करता था, इसलिए सारी लेडीज उसको पसंद करती थी। द अफेयर बिटवीन डार्सी एंड एलिजाबेथ वेंट थ्रू सीरीज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अब जो अफेयर है डार्सी और एलिजाबेथ के बीच में, उनमें बहुत सारी गलत फहमियाँ थी। एट हंसफोर्ड व्हेन डार्सी प्रपोज टू एलिजाबेथ एंड शी कर्टली टोल्ड हिम अबाउट हिज फॉल्ट। हंसफोर्ड में जब डार्सी प्रपोज करता है एलिजाबेथ को और वो बड़ा कोरा जवाब देती है और उसको उसकी गलतियां बताती है, ही नॉट ओनली फेल्ट सॉरी बट ट्राई टू इम्प्रूव हिज पर्सनैलिटी। वो ना सिर्फ उसको सॉरी फील करता है बल्कि अपने आप को चेंज करने की कोशिश भी करता है। लेटर ऑन ही वॉज पोलाइट एंड हेल्पफुल, और इस तरह से वो बाद में बहुत ही विनम्र और बहुत ही मददगार साबित होता है। ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू ब्रिंग राउंड विकम। अब वो मददगार और पोलाइट कैसे होता है कि विकम जो था वो लीडिया जो कि एलिजाबेथ की छोटी सिस्टर थी उसको लेके भाग गया था, लेकिन जो दासी था उसने उसे ढूंढ निकाला था। ही पेड सर्टेन अमाउंट एंड मेड हिम एग्री टू मैरी लीडिया। उसने उसे कुछ पैसे दिए थे और उसे लीडिया के साथ शादी करने के लिए फोर्स भी किया था। व्हेन दिस अफेयर वॉज सेटल्ड, जब उनका ये मामला सेटल हो गया था, एलिजाबेथ बिगेन टू लुक काइंडली एट डार्सी। तो एलिजाबेथ को उस पर थोड़ा भरोसा होने लगा था और वो उसको पसंद करने लगी थी। सेकेंड गुड एक्ट वॉज टू ब्रिंग बिंगले बैक बिंगले टू जैन। अब सेकेंड गुड एक्ट क्यों कहा, क्योंकि अब जो एलिजाबेथ थी उसकी मामा बहुत वल्गर थी और उसको पसंद नहीं किया जाता था, और इसलिए बिंगले ने बिंगले को डार्सी ने सलाह दी थी कि वो जेन के साथ कोई रिलेशनशिप जो डेवलप ना करे। तो अब वो उसको भी वापस ले आया था। वंस द सेकेंड कोर्टशिप वॉज थ्रू, जब ये दूसरा रिलेशनशिप चल रहा था, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट फॉर एलिजाबेथ टू अपोज। तो अभी एलिजाबेथ उसको अपोज नहीं कर सकती थी क्योंकि डार्सी ने उसकी दोनों सिस्टर्स के लिए जो अच्छा किया था। शी एक्सेप्टेड डार्सी एज हर लाइफ पार्टनर, उसने डार्सी को अपने लाइफ पार्टनर के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया था। द टू मेन वर एक्सेप्टेड एंड ब्लेस्ड बाय मिस्टर बैनर टुगेदर। दोनों जो बंदे थे, कौन कौन, बिंगले और डार्सी, दोनों को मिस्टर बैनर ने एक्सेप्ट किया था और आशीर्वाद दिया था। दस ऑल थ्री कोर्टशिप्स एंड ऑन अ हैप्पी नोट। तो इस तरह से तीनों जो रिलेशन थे वो अच्छे हो गए थे। इन दिस वे वी सी दैट जेन ऑस्टिन इज इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिंग वेयर देयर इज इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल एडजस्टमेंट। अब इस नॉवल में हम क्या देखते हैं कि जेन ऑस्टिन ये डिस्कस करना चाहती हैं कि जो शादी है वो किस कैसे होनी चाहिए, जहाँ पे बौद्धिक आपसी समझ है और भावनात्मक तौर पे लोग जुड़े हुए हैं। इट इज़ नॉट गुड टू मैरी फॉर द सेक ऑफ स्किन डीप ब्यूटी एंड द अट्रैक्शन ऑफ मनी। आप कोई सुंदर है और उसके पास मनी है, आप उससे शादी कर लेते हो तो ये अच्छा नहीं है। मिस्टर बैनेट मैरिज फॉर ब्यूटी, मिस्टर बैनेट ने ब्यूटी देखी थी मिसिज बैनेट की एंड फॉर द गुड लुक्स, और उसको दिखने में अच्छी लगी थी। बट सून गेट्स डिसअपॉइंटेड विद द मैरिज बिकॉज हिज वाइफ हैज़ अ वीक अंडरस्टैंडिंग एंड एन इलिबरल माइंड। इलिबरल माइंड मीन्स नैरो माइंड। अब वो डिसअपॉइंट क्यों थे, निराश क्यों थे, क्योंकि उनकी पत्नी सुंदर तो थी लेकिन वो समझती नहीं थी उनको और बहुत ही नैरो माइंडेड थी। ही टेस्ट हर टेस्ट आर ऑल्सो वल्गर, और वो अश्लील स्वभाव की भी थी। ही बिकम्स इनडिफरेंट टू हिज फैमिली, और इस तरह से वो बहुत ही उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अपनी फैमिली के प्रति नहीं सोचते हैं। इन द सेम वे वी सी दैट शार्लोटी लुकास मैरिज मिस्टर कॉलिन टू लीव अ कंफर्टेबल लाइफ एंड फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। अब शार्लोटी लुकास क्यों शादी करती है मिस्टर कॉलिन से, इसके बावजूद कि मिस्टर कॉलिन बहुत अच्छी नेचर के नहीं थे, क्योंकि उसको लगता है कि उसके साथ उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं और वो अच्छे से ज़िंदगी बिता सकती है। लीडिया टू इज़ कैप्टिवेटेड बाय विकम्स हैंडसमनेस हु इज़ टोटली प्रिंसिपल। लीडिया जो है वो विकम की ब्यूटी से जो है वो कैप्टिवेट हो जाती है, और जिसका कोई सिद्धांत ही नहीं थे जिंदगी जीने के। द नॉवल ऑल्सो ब्रिंग आउट द इफेक्ट ऑफ मिस मैश्ड मैरिज ऑन द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब ये नॉवल जो है वो बच्चों की मिस मैच मैरिज के बारे में बात करता है, क्योंकि उनका भावनात्मक तौर पे विकास प्रॉपरली नहीं हुआ। इफ़ मैरी किटी एंड लीडिया आर नॉट एबल टू कॉप विद द डिमांड्स ऑफ लाइफ, अगर मैरी किटी और लीडिया लाइफ की डिमांड्स के अकॉर्डिंग
जो थी अपनी जिंदगी नहीं जी रही थी, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए उनको नहीं पता था। द फॉल्ट इज दैट ऑफ देयर पेरेंट्स, तो इसमें गलती किसकी है, उनकी मम्मी पापा की। मिस्टर बैनेट इज इनडिफरेंट एंड इरिस्पॉन्सिबल, अब मिस्टर बैनेट जो थे अपनी पत्नी से दुखी थे इसलिए उन्होंने अपने घर का ध्यान रखना बंद कर दिया और वो गैर जिम्मेदार हो गए। मिसिज बैनेट इज स्टूपिड, मिसिज बैनेट तो थी ही मूर्ख। जेन ऑल्सो लैक्स इमोशनल मेच्योरिटी, जेन को भी इमोशनल मेच्योरिटी भावनात्मक तौर पर वो विकसित नहीं है, क्योंकि जब बिंगले से छोड़ के चला जाता है तो वो उदास हो जाती है। एलिजाबेथ हु इज सरप्राइज टू बी वेरी इंटेलिजेंट, एलिजाबेथ हमें सरप्राइज करती है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है एंड द बेस्ट ऑफ द लॉट, और बहुत ही बेस्ट है उन सब में से। बियरली स्केप्ड द इल इफेक्ट्स, और उसका अपने परिवार के बाकी सदस्यों का जो बुरा प्रभाव उस पर नहीं पड़ा था। द नॉवेल ब्रिंग्स इन टू प्ले सेवरल लिटल आयरनीज ऑफ द लाइफ डीलिंग विद द यूनिवर्सल थीम ऑफ मैरिज। अब ये जो नॉवेल है वो यूनिवर्सल थीम ऑफ मैरिज लेके आता है कि बहुत सी विडंबनाएँ होती हैं, हम शादी कर लेते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन शादी जो है वो आधारित किस पे होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पे, मैच्योरिटी के साथ, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और आपको थीम समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बट इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड कमेंट ऑन इट। सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।